देखिरहेको चाहिँ मुनिपट्टिको मल्लीग्रहण हो। मल्लीग्रहण त टोटल तपाईँको पानीहरू पर्सेर हो, मल्लीग्रहण नै छैन हो फिलहाल हो। त्यहाँदेखि तर यो पारिपट्टिको रोड पनि छैन हो। त्यहाँदेखि यो तिम्रो टोटल मान्छेहरू सरेर चाहिँ सबैजना चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ माथि 40 सेटमा आइसक्यो हो। यो चाहिँ मल्लीग्रहण हो मेन चाहिँ जुन हाम्रो मल्लीग्रहण त्यहाँ चाहिँ पानी पसेर चाहिँ फिलहाल दाङ्गो मल्लीग्रहणै बगाइसक्यो भन्नु। ब्रिज टूट गया है या फिर ब्रिज के ऊपर से पानी जा रही है? त्यहाँदेखि उठेर वरिपरि कता उठायो, त्यहाँदेखि पुलिसहरूले पनि अब साइरनहरू बजायो। त्यहाँदेखि हामी अलर्ट भएर चाहिँ सबै माथि आएर चाहिँ हामी चाहिँ बजारतिर आउने बित्तिकै चाहिँ 3 बजीतिर चाहिँ पुल लगिहालेको नि त। यो हामीलाई त आदर्श गाउँ हो, हाम्रो घर छैन। मान्दैन घरबाट।
दाजु र हामीले ढुङ्गा फुटाउँछ ढुङ्गाले ऐनामा हिर्काउँदा पनि ननिक्लेको छ के गर्नु मान्दै मान्दैन हुन्छ ठिकै छ आधी वर्ष भन्छ हो हैन हुँदैन हुँदैन खजाना चाहिँ कल रात जो कांड उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। वो हम लोग का तो गाड़ी वो पुलिस का वैन आया तो साइरन बजाया तो खोला वो नदी का भाव बढ़ गए तो हम लोग का जितना सदा हम लोग यूथ मिलके सब जितना आदमी है उन लोग को निकाल के वो उधर अप एरिया हॉस्पिटल के कितना उधर अपर एरिया में पहुँचा दिया। सर उसके बाद हम लोग 15 यूथ थे जितना सदा वो फंसा हुआ आदमी को हम लोग ने फायर ऑफिसर के साथ मिल के दोड़ी रस्सी से नीचे नीचे का जो जितना इतना इतना गहरा पानी मिट्टी के गिर के कितना आदमी है सब निकाल के तो उन लोग का जो अब कितना आदमी इधर इधर नीचे भी कितना आदमी तो दब गया वो तो निकाल भी नहीं क्योंकि वो घर का लेवल से हाई में आ सकता था तो हम लोग भी नहीं जा सकते थे तो कितना सके वो निकाल दिया। तो अभी थोड़ा कितना दो तीन हाउसेस है वो थोड़ा इम्पॉसिबल है जाने के लिए क्योंकि हम लोग का यूथ है हम लोग के पास वो इक्विपमेंट भी नहीं है उधर जाने के लिए तो इसीलिए हम लोग का ज़रा प्रॉब्लम हो रहा है। बस दो चीज़ पूछना है कितने लोगों का आपने बचाया? हम लोग ने जैसा बचाया इधर जैसे 15-20-30 मतलब बचाया क्योंकि इधर वो बीजेपी ऑफिस की उधर भी एक तो बुरा आदमी था उन लोग स्ट्रेचर में लेके हम लोग फायर ऑफिसर के साथ काम करके निकाल दिया और इस पॉइंट स्कूल से स्टूडेंट निकाल दिया इधर नीचे स्कूल के बच्चे के इधर उधर भी हॉस्टल का भी दो कितना 5-10 बच्चे निकाल दिया। स्कूल में कोई डैमेज हुआ है? स्कूल में डैमेज तो नहीं हुआ डैमेज नहीं वो तो मट्टी तो बहुत गिर गया डैमेज है। पानी का बाफ कितना ऊंचा तक आया मतलब 2-3 मंजिल तक आया था? पानी का आपको नोटी तक आया अभी क्योंकि घर जाने का भी रास्ता नहीं है सब। अच्छा।